शामली जनपद में यमुना नदी में मशीनों से खनन शुरू हो गया है, जहां एक ओर खनन माफिया सरकार को ठेंगा दिखाते हुए दर्जनों मशीन यमुना में उतार कर दिन रात यमुना का सीना चीरते हुए उसका बहाव मोड़ रहे हैं, तो वहीं 2-3 महीने पहले खनन पॉइंट से कुछ दूरी पर आधा दर्जन युवकों की जान जा चुकी है। और उस समय ग्रामीणों द्वारा बताया गया था कि यमुना में खनन के कुंड होने की वजह से सभी युवकों की जान गई थी। जिलाधिकारी द्वारा मशीनों की अनुमति की बात भी कही गई है, लेकिन मशीन कितनी है और इसकी निर्धारित संख्या कितनी है ये नहीं बताया गया है। वहीं खनन माफिया मानकों के विरुद्ध जाकर दिन रात खनन कर रहे हैं और रोजाना सरकार के लाखों रुपए के राजस्व को चूना लगा रहे हैं। मामला शामली जनपद का है, जहां पर वैध पट्टे की आड़ में अवैध तरीके से मानकों के विरुद्ध जाकर पोकलैंड और जेसीबी मशीन से खनन किया जा रहा है। वहीं दिन रात चलने वाला खनन पॉइंट पर पोकलैंड और जेसीबी मशीनों से रोजाना सैकड़ों ओवरलोड वाहन भरकर निकाले जा रहे हैं। दिन रात हो रहे खनन से रोजाना सरकार के लाखों रुपए के राजस्व को चूना लगाया जा रहा है। खनन पॉइंट पर जहां दिन रात खनन किया जा रहा है, तो वहीं अधिकारियों की मिलीभगत से पोकलैंड जेसीबी मशीन से ओवरलोडिंग वाहन भी निकाले जा रहे हैं। खनन पॉइंट पर रोजाना नियम विरुद्ध दर्जन भर के करीब पोकलैंड और जेसीबी मशीन चलाकर लाखों का रेत निकाला जा रहा है और ओवरलोडेड वाहनों से यातायात के नियम भी तोड़े जा रहे हैं। एक ओर जहां दिन रात नियम के विरुद्ध खनन माफिया नियम कानून को ठेंगा दिखाते हुए काम कर रहे हैं, तो वहीं अधिकारी आग बनकर अपने ऑफिस में जांच की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि करीब 3 महीने पहले खनन पॉइंट से कुछ ही दूरी पर यमुना में नहाने गए 5 युवक यमुना में समा गए थे, जिनके शव कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने बाहर निकाले थे। 9 गए 5 युवकों की मौत के बाद ग्रामीणों ने काफी हंगामा किया था और कहा था कि यमुना में अवैध खनन कर बनाए कुंड में फंसने से 5 युवक की जान चली गई है। लेकिन उसके बाद भी जिले के तमाम आला अधिकारी सीख लेने के बजाय दोबारा ऐसी घटना को दोहराए जाने का इंतजार कर आंख मूंदे बैठे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर जब हमने जिला अधिकारी शामली जसजीत कौर से बात की, तो जिला अधिकारी का कहना है कि कैरैना कोतवाली क्षेत्र के मामूर गांव के पास यमुना नदी में वैध पट्टा निर्धारित है और दिन रात चलने वाले सवालों पर जिला अधिकारी जांच की बात कहते अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं, जबकि दिन रात खनन पोकलैंड और जेसीबी मशीन से जारी है। मामूर में हमारे जनपद की तरफ से 5 वर्षीय पट्टा सरकार द्वारा किया गया है और अभी मॉनसून सीजन खत्म होने के बाद उन्होंने खनन कार्य प्रारंभ किया है। मशीन द्वारा इसमें पट्टे में खनन करना अलाउड है, पर अगर यदि ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी जांच माइनिंग इंस्पेक्टर और टास्क फोर्स द्वारा करवा ली जाएगी।